सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस वक्त हूँ मुस्तांग पे, जॉमसम बोल के एक सिटी है वहाँ पे, जो हम लोग कल रात को पहुँचे हैं। तो मेरे पीछे है अन्नपूर्णा पीक और आज हम लोगों का ट्रिप का डे 7 है और आज तारीख है 9th October 2019। तो फ़िलहाल मैं जिस होटल में ठहरा हूँ उसका रूफ टॉप पे हूँ, तो नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब मज़ा आ गया। अभी बैग पैकिंग करना है और उसके बाद फिर से निकल जाना है। और मैं आपको अभी छत के ऊपर से पूरा व्यूज़ दिखा रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आगे है जॉमसम एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है। और इधर देखे तो इधर है अन्नपूर्णा पीक, रियली ब्यूटीफुल, डिस्क्राइब करने का उतना वर्ड नहीं है इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम राइट नाउ इज 9:30 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं द बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल पे। आज है 9th October 2019। हम लोग कल रात को पहुंचे थे जॉमसम, फिलहाल अभी निकले हैं साइट सीन करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं कागबेनी विलेज। एक्चुअली कागबेनी विलेज को बोला जाता है मिनी तिबेट। चलिए थोड़ा घूम के आते हैं कागबेनी विलेज में। तो नजारा बहुत ही बढ़िया है, मतलब इट्स रियली ब्यूटीफुल। हम लोगों का जो होटल है वो एकदम जॉमसम सिटी स्टार्ट पॉइंट पे है और अभी मैं गुजर रहा हूँ एक्चुअल जॉमसम सिटी से। तो ही रास्ता सीधा गया है टुवर्ड्स मुक्तिनाथ एंड कागबेनी। और यह है चेक पोस्ट। तो यह है जॉमसम एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत वादियां हैं और ये रहा चेक पोस्ट। यहाँ पे हम लोगों को जो परमिट मिला था उसको यहाँ पे दिखाना है, एंट्री करवाना है और आते वक्त एग्जिट करवाना है। तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बता नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये फीलिंग्स देने का, लेकिन फीलिंग्स तो ऐसे नहीं दिया जा सकता है, बस नज़ारे दिखाया जा सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिल खुश हो गया। यहाँ से हम लोग जाएंगे कागबेनी विलेज, वहाँ पे जाके विजिट करेंगे। कागबेनी को मिनी तिबेट बोला जाता है, मतलब अगर आप तिबेट नहीं जा पाते हैं तो कागबेनी भी आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है लेकिन आके आपका दिल खुश हो जाएगा। इस वक्त मैं हूँ मुस्तांग वैली पे और ये है जॉमसम चेक पोस्ट। स्लाइड देखिए,
तो ये फ्लाइट जॉमसम एयरपोर्ट पे उतर रहा है, मतलब ये अप्रोचिंग लाइन है। तो आप सोच सकते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा होगा। बाय गॉड, मैं तो एक बार जरूर आऊंगा यहाँ पे बाय फ्लाइट। नज़ारे देखिए, मज़ा आ गया। तो मुस्तांग इज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स मैं लेना चाहूंगा। क्योंकि ये वादिया बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब दिल भर गया। और वो साइन आ रहा है। सो वेलकम बैक एवरी वन। टाइम राइट नाउ इज 10:31 AM। हम लोग आए हैं कागबेनी विलेज को विजिट करने। तो वो छोटा सा विलेज है, यहाँ पे कुछ लोकल्स दुकान है। ये इधर मतलब एक बहुत ही अच्छा छोटा सा पहाड़ी गांव है। और ये तिब्बतीयन कल्चर में बिलीव करते हैं, यानी यहाँ पे आपको तिब्बतीयन कल्चर्स मिलेगा। तो पहले तो हम लोगों का इसी गांव में होटल बुकिंग था, लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पाए और होटल का फ़ोन नंबर भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए हम लोग जॉमसम में ही रुक गए, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो वापस जॉमसन जाना पड़ेगा। और आगे का रास्ता कैसा है ये भी किसका अंदाज़ा भी तो नहीं था। तो टाइम हो रहा है अभी 10:52 और हम लोग निकल रहे हैं कागबेनी विलेज से। छोटा सा पहाड़ी विलेज था और अभी वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स जॉमसम। रास्ते में कुछ फोटो शूट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और उधर का व्यू देख सकते हैं, द ग्रेट अन्नपूर्णा रेंज, वो अन्नपूर्णा पीक है
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, मतलब नीला पूरा आसमान है उसके अंदर, मतलब ऐसा नज़ारा नसीब वालों को मिलता है। और ये कालीगंडा की रिवर है ये, लेकिन फिलहाल तो कुछ पानी ही नहीं है, थोड़ा सा धारा बह रहा है बस और कुछ नहीं। दोस्तों मैं अभी आपको एक सस्पेंशन ब्रिज में लेके जा रहा हूँ, तो ये पे भी मिला था पुनाखा में, बहुत ही बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, और यहाँ पे भी एक मिला है, ले मैंने सोचा क्यों ना इस ब्रिज में एक बार चढ़ा जाए और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाया जाए। तो ये है वो रिवर, कालीगंडे की रिवर ये सामने है, और ये पूरा इस साइड और पीछे भी है मुस्तांग वैली। उधर उस गांव में हम लोग गए थे, और ये रास्ता सीधा जाता है मुक्तिनाथ की ओर, और इधर का नज़ारा देखें तो इधर है अन्नपूर्णा रेंज, इधर शायद कोई ब्रिज बन भी रहा है कि उस पर जाया जा सके, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब बता नहीं सकता इतना अच्छा लग रहा है। साइन भी आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टाइम राइट नाउ इज 1 PM एज पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, और हम लोग अभी निकल रहे हैं जॉमसम से। इस होटल में हम लोग ठहरे थे, होटल रिवर साइड, तो बहुत ही अच्छा होटल था। आप अगर जॉमसम आ रहे हैं तो इस होटल में चेक इन कर सकते हैं। इसका जो रूफ टॉप है उससे बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है पूरा अन्नपूर्णा पीक का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे है अन्नपूर्णा पीक, ये होटल का रूफ टॉप से दिखाई देता है, और होटल का जो रूम्स है उससे भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो ये हम लोगों का रूम था जॉमसम में, और बहुत ही बढ़िया रूम था, नेपाली रुपीस 1200 में रूम मिला। तो हम लोग निकलने वाले हैं अभी, वो लगेज इधर उधर पड़ा है, हम लोग अभी निकल जाएंगे टुवर्ड्स तातोपानी। अच्छा, तातोपानी में जाके स्टे करेंगे। तो रूम से ऐसा नज़ारा दिखने को मिलता है, कल रात को मैं नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि रात में तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैं इस होटल का नंबर एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। तो आज हम लोग का प्लान है, हम लोग मैक्सिमम जाएंगे तातोपानी, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर है। 5 से 6 बजे तक हम लोग मैक्सिमम आज बाइक चलाएंगे, और कल फिर निकलेंगे पोखरा के लिए। तो बैग पैकिंग हो चुका है, हम लोगों ने बाइक पे वापस से बांध दिया है, और अभी निकलने वाले हैं जॉमसम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों घर लौटने का टाइम आ चुका है, मुस्तांग तक का हम लोगों का सफर था जो कि खत्म हो गया है, और अभी जाना है वापस घर। हम लोग निकल चुके हैं जॉमसम से, जा रहे हैं टुवर्ड्स तातोपानी। तातोपानी से आगे जो बेनी तक का रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसीलिए हम लोग आज तातोपानी में ही स्टे करेंगे, क्योंकि अभी तो दोपहर हो चुका है, हम लोग वो रास्ता आज की डेट में कवर नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम लोग राइट को तातोपानी में ही स्टे करेंगे, और कल सुबह निकलेंगे टुवर्ड्स पोखरा। तातोपानी से करीबन 120 किलोमीटर का रास्ता है,
पोखरा तक। उधर का नजारा देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दिस इज याक। याक चलो निकल गया, और एक वाटर क्रॉसिंग। हाँ, तो और एक वाटर क्रॉसिंग आ गया। मैंने अपना जूता खोल के डाल दिया हूँ, और पानी का भाव बहुत ज्यादा है और बहुत ठंडा पानी है। मतलब बता नहीं सकता कितना ठंडा पानी है। अरे बाप रे बाप, ओ शाबाश, निकल निकल निकल। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 एज पर इंडियन टाइम, और अभी हम लोग मुस्तांग वैली से एग्जिट करने वाले हैं। और इधर गेट पे लिखा भी हुआ है, थैंक यू फॉर विजिटिंग मुस्तांग अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट। सो ऑफिशियली हम लोग मुस्तांग से निकल चुके हैं। यहीं पे गिरा था मैं, यहीं पे गिरा था। याद है?
मेरे को लगता है मैं जाने के टाइम पे यहीं पे गिरा था। हमें उस रास्ते पे जाना है और रास्ते का हालत देखिए। ये पूरा रास्ते पे ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ के साइड में से। ये देखिए, तो गाइस टाइम राइट नाउ 5:12 PM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हम लोग पहुंचने वाले हैं तातोपानी। हम लोगों का जो प्लान था, आज तातोपानी तक जाएंगे और फिर तातोपानी में ही नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि अभी शाम होने वाला है। मैक्सिमम 40 मिनट्स है हम लोगों के पास, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और पहाड़ का अंधेरा कुछ अलग तरीके का ही होता है, यानी अचानक आ जाएगा। और ये रास्ता का हालत देखिए, बहुत ही डेंजरस है। मतलब एक बार अगर आपका बाइक का मुख उधर हो गया ना, बस सीधा 500-600 फुट नीचे चले जाओगे, खत्म। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं तातोपानी। यहाँ पे हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं कि आज का नाइट स्टे यहीं पे करना है। तो ये होटल चाहिए हम लोग को रात में रहने के लिए। तो दो होटल तो ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका है, बोला है कि रूम नहीं है। देखते हैं इधर क्या होता है। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8 PM एज पर इंडियन टाइम। हम लोग करीबन 6 बजे पहुंचे हैं तातोपानी पे, और यहाँ पे होटल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे भी हो एक होटल मिला है। उतना खास होटल नहीं है, लेकिन बस रात गुजारने के लिए काफ़ी है। तो ये डील मुझे पड़ा 800 रुपीज़ नेपाली में। तो ऑलमोस्ट बस सोना है, कल फिर से निकल जाना है टुवर्ड्स पोखरा। और आज भी हो चुका है और बहुत ही मुश्किल से ये रूम मिला है। मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा रूम, और ये एक बेड है, और इधर और एक बेड है, दो बेड है। और रूम कुछ ऐसा है, यहाँ मेरा सामान पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइन का सामान पड़ा हुआ है, मतलब। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिजली अभी जा चुका है, मतलब बिजली नहीं है, यहाँ पे करंट ऑफ है पूरा एरिया में। तो इसलिए वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। बस रात जैसे तैसे गुजारना है और फिर कल सुबह होते ही निकल जाना है। यहाँ पास में एक हॉट स्प्रिंग है, उसको देखेंगे, उसके बाद फिर से निकल जाएंगे टुवर्ड्स पोखरा। पोखरा में हम लोगों का होटल ऑलरेडी बुक्ड है, जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसी होटल में वापस जाना है। वहाँ पे है हम लोगों का सामान, और फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।